दोस्तों आज के समय बैंक जाकर पैसे निकालना बहुत ही परेशानी का काम हो गया है, इसलिए बैंक की तरफ से हमें एटीएम कार्ड प्रोवाइड किए जाने लगे हैं, ताकि हमारे समय की बचत हो और हम कम से कम समय में अधिक से अधिक पैसा निकाल सकें। और आज जिस तरह से एटीएम के सामने लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है, उससे तो आप यह समझ ही गए होंगे कि आज के समय हमें एटीएम की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। पर क्या आप यह जानते हैं कि एटीएम का आविष्कार किसने किया और पहली एटीएम मशीन कहाँ लगाई गई थी और इसमें पहले कितने अंक हुआ करते थे? बात 1965 की है। एक दिन एटीएम के आविष्कारक सिपर बैनर को पैसे की जरूरत थी। वह बैंक पहुंचे। बैंक एक मिनट की देरी से पहुंचने के कारण बैंक बंद हो चुका था और वह पैसे नहीं निकाल पाए। वह बैंक के बाहर खड़े खड़े सोचने लगे कि जिस तरह से मशीन से चॉकलेट निकल सकती है, उस तरह मशीन से 24 घंटे पैसे क्यों नहीं निकाले जा सकते। आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म होता है। इसके बाद ही उन्होंने एटीएम मशीन का निर्माण किया। आपको बता दें कि दुनिया का पहला एटीएम 27 जून 1967 में नॉर्थ इंग्लैंड में लगाया गया था और एटीएम का आविष्कार स्कॉटलैंड के निवासी जॉन सिपर बैरन ने किया था। और आपको ये भी बता दें कि एटीएम का पिन पहले 6 अंकों का हुआ करता था, पर इनकी वाइफ की भूलने की बीमारी की परेशानी को लेकर इन्होंने यह 6 अंकों का पिन कोड 4 अंकों में बदल दिया। एटीएम कार्ड से जुड़ी हुई ये नॉलेज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।